इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कहर कोरोना का जारी है। आज बेलगाम में फिर 300 से भी ज्यादा पॉजिटिव मरीज पाए गए। वैसे भी अब 2-500 पॉजिटिव आना कोई बड़ी बात नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत इंतजामिया सेहत महकमा सब कुछ ठीक ठाक है कह रहे हैं। मरने वालों की तादाद रोजाना बढ़ती जा रही है, पर सेहत महकमा कह रही है कि कोरोना काबू में आ रहा है। कब्रिस्तान शमशान लाशों से भरे पड़े। अनगोल के सबक कारपोरेटर की दास्तान भी दिल दहला देने वाली साबित हुई। सांस की तकलीफ की वजह से कई नामी शख्सियतों ने वेंटिलेटर का इंतजाम करने की गुहार लगाई, पर किसी भी अस्पताल में मैसर नहीं हो पाया। साबिक वजीरों ने भी कोशिश की पर कहीं से कुछ ना हो पाया। और आखिर में हुकूमत से मुंतखब शुदा साबिक कारपोरेटर की अफसोसनाक मौत हो गई। सवाल यह उठता है कि जब सियासी रसूख रखने वाले और बड़े बड़े कहलवाने वाले लोगों की दर्दनाक मौत हो रही है, आम इंसानों का क्या हाल होगा? कैसे उम्मीद की जाए कि आम इंसान ठीक ठाक बाहर आ जाएगा अस्पतालों से? वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दिगर सहूलतों को अवाम के लिए मुहैया करने की बजाय हुकूमत है कि पब, शराब खाने, सिनेमा हॉल शुरू करने का इरादा कर रही है। हो सकता है कि 1 तारीख से सब कुछ शुरू कर दिया जाओ और आप आत्मनिर्भर हो जाओ कह दे, क्योंकि हुकूमत कब कौन सा फैसला ले कह नहीं सकते। वैसे भी अब अवाम के दिल सख्त होते जा रहे। कोई भी अवाम के हक में नुकसानदेह हो फैसला हुकूमत का बर्दाश्त करने का हुनर अवाम ने सीख लिया है। नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक यही होता आया है। बेलगाम शहर में भी स्मार्ट सिटी के नाम से सड़कें खुदी हुई है, ड्रेनेज का काम अधूरा, जमीनी बिजली तारों का काम अधूरा, गैस पाइपलाइन कई जगहों पर काम को अधूरा रखा हुआ है। जहां पर भी हुआ है बार बार पाइपलाइन टूटती फूटती है। ऐसा लगता है अवाम ने सब जुल्म मुश्किलात को जज्ब करने का सीख लिया है। शहर में कई बार सड़कों को मोड़ दिया जाता है और महीनों लगाए जाते हैं, पर कोई सवाल करने वाला नहीं होता। जाहिर है ठेकेदार धीमी रफ्तार से स्मार्ट कामों को अंजाम देता रहता है। अब इस बहते पानी में कितने लोगों के हाथ गिले हो रहे हैं ये तो अलग मामला है, पर आवाम को सहूलतों के नाम पर मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के दौर में निजी अस्पताल वालों ने तो पैसा कमाने का गोया मुकाबला ही लगाया हुआ है। हर रोज 15,000-20,000, फिर कुछ ही दिन अगर मरीज रहता है तो लाखों का बिल। कहने का मतलब यह है कि कोई किसी को पूछने वाला नहीं। अब तो सरहदों को भी खोला गया है, किसी तरह का क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अब भारत की कोवैक्सीन को आवाम तक पहुंचने में साल के करीब लगेगा, ऐसा भारत के सेहत महकमा ने ऐलान किया है। तो और 2 साल तक कोरोना रहेगा, ऐसा ऐलान WHO ने किया है। बार बार सवाल यही पूछा जा रहा है कि जब इलाज ही नहीं है तो आखिर अस्पतालों में इलाज किस चीज का किया जा रहा है? बाजार खुले हुए हैं, भीड़ बढ़ रही है, पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, मरने वाले भी बढ़ रहे हैं और डिस्चार्ज भी बढ़ रहे हैं। जब भारत दुनिया का 3रा कोरोना मुल्क बना हुआ है तो क्या मोदी हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला सही किया था या नहीं? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन भी नोटबंदी की तरह बिना सोचे समझे लिया गया फैसला है, जिसका असर अब तक का सबसे बड़ा देश को डुबोने वाला फैसला रहा। पूरा देश लाचार बेबस नजर आ रहा है। आज भी बेलगाम उद्यम बाग, जहां पर कारोबार फैक्ट्रियां चलती है, लॉकडाउन के सदमे से उभरे नहीं है। मजदूर नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, मांग नहीं है, बाजारों में ग्राहक नहीं है, लिहाजा कारोबार अब भी संभल नहीं पाया है। लॉकडाउन के बाद सबसे पहला शराब खानों को खोलने का फैसला हुकूमत की जानिब से लिया। आज भी पब्स बार्स को खोलने का फैसला लिया जा रहा है। वहीं अब तक स्कूलों को खोलने का फैसला नहीं लिया गया। बच्चों में पढ़ने का रुझान खत्म होकर मजदूरी करने का झुकाव बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई नाकाम हो चुकी है। स्कूलों को बंद देखकर कई स्कूली लड़के लड़कियां मजदूरी करने की रिपोर्ट हासिल होती जा रही है। अब इसके लिए हुकूमत को क्यों ना जिम्मेदार ठहराया जाए? कुल मिलाकर बेलगाम और अतराफ में बढ़ते मरीजों के साथ इंतजामिया की बेजारी भी महसूस की जा रही है। इतना तो जरूर है यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं। साबिक कारपोरेटर जनाब फिरदौस अहमद दरगाह का कल बीमारी की वजह से इंतकाल हुआ। जनाब फिरदौस दरगाह की उम्र 55 साल थी। जनाब फिरदौस दरगाह के इंतकाल से माशरे को बड़ा नुकसान हुआ। एक कौमी हमदर्द, हमेशा कौमी मसले में पेश रहने वाला फिरदौस दरगाह, जिससे फिद्दो के नाम से जाना जाता था, फिरदौस और फिद्दो शहर में काफी मकबूल थे, जिनका इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। अंजुमन कब्रिस्तान में
जनाजे की नमाज अदा की गई। पसमानगान में बीवी, माँ, दो लड़के, लड़की और भाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि पसमानगान को अल्लाह सब्र अता फरमाए और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जाए। इसी तरह भारत नगर शाहपुर और नई गली जमात के सदर जनाब इम्तियाज शरीफ साहब का इंतकाल हुआ। जनाब इम्तियाज शरीफ नहायत ही मिलनसार और सभी से मोहब्बत से पेश आने वाले शख्स थे। हमेशा कौमी दर्द और इत्तेहाद की बात करते थे। सामाजिक खिदमात में हमेशा पेश रहा करते थे। इनके अचानक इंतकाल से अफसोस का इजहार किया जा रहा है। इनकी तदफीन अंजुमन कब्रिस्तान में अमल में आई। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि इन तमाम मरहूमीन को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगाता फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।